नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 26 जनवरी पर एक सुंदर सा भाषण। यह भाषण आप अपने स्कूल, कॉलेज और मोहल्ले में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको यह भाषण पसंद आएगा। आइए शुरू करते हैं। नीचे दिए हुए रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन पर प्रेस करके हमारे सभी मोटिवेशनल और एजुकेशनल वीडियोस YouTube पर सबसे पहले पाएं। आदरणीय प्रिंसिपल सर, सभी शिक्षकगण, सहपाठियों और अभिभावकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम विजय है और मैं कक्षा 9वीं में अध्ययन करता हूँ। आज हम सभी गणतंत्र दिवस मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारे देश में यह 26 जनवरी के दिन प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आज मैं बहुत ही गर्वित महसूस कर रहा हूँ क्योंकि आज के इस महान अवसर पर मुझे आप सभी के समक्ष भाषण प्रस्तुत करने का अवसर मिला है। इस वर्ष हम अपना 70वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। भारत में कानून का राज्य स्थापित करने के लिए भारतीय संविधान सभा ने 1949 में इसे अपनाया था और 26 जनवरी 1950 में इसे लागू करके भारत एक लोकतांत्रिक देश बन गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी 26 जनवरी को ही हुई थी, इसलिए गणतंत्र दिवस की स्थापना 26 जनवरी के दिन की गई। हमारे देश इसके साथ साथ ही विश्व का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश बन गया। गणतंत्र का अर्थ है देश में सभी देशवासियों के लिए समान व्यवस्था और कानून स्थापित करना। हमारे देश में सभी धर्मों को, संप्रदायों को समान अधिकार और स्थान दिया गया है। हम सभी के लिए 26 जनवरी एक गौरवपूर्ण दिन है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों से आजाद हुआ था। हमारे देश में राष्ट्रपति सर्वोच्च शासक होता है। सभी भारतवासी 26 जनवरी का दिन बहुत ही खुशी और उल्लास से मनाते हैं। हम सभी भारतवासी 26 जनवरी के दिन पूरे देश भर में अनेकों कार्यक्रम मनाते हैं और देश के गणतंत्र दिवस को बहुत ही गर्व के साथ मनाते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन को हटाकर 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को हमारे देश का राष्ट्रपति बनाया गया था। इसी कारण इस दिन दिल्ली में राष्ट्रपति की राजकीय सवारी निकाली जाती है। सेना, जल सेना, थल सेना और वायु सेना के टुकड़ी भी मार्च करती है और लाल किले तक पहुंचती है। खुशी के साथ इस दिन सार्वजनिक समारोह में तरह तरह की झांकियां भी निकाली जाती है, जो हम सभी लोग टीवी पर भी देखते हैं और जो लोग दिल्ली पर रहते हैं वह वहां जाकर भी देखते हैं। यह हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। साथ ही हमारे देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सभी देशवासियों को एकजुटता और आपसी प्रेम भाव से रहने की सलाह देते हैं। भारत में अनेकता में एकता पाई जाती है। देश में सभी धर्मों के लोग पूजा कर सकते हैं, अपने धर्मों का पालन कर सकते हैं, किसी पर कोई भी पाबंदी नहीं है। सभी को पूरी तरह स्वतंत्रता प्राप्त है। बच्चों को भी इस महान दिन के महत्व को समझना चाहिए, इसलिए हमारे शिक्षक इस दिन के बारे में हमें बताते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू को संविधान सभा का सदस्य बनाया गया था। संविधान सभा ने ही हमारे देश का कानून बनाया है। संविधान निर्माण में कुल 22 समितियों ने योगदान दिया है। डॉक्टर अंबेडकर ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारत का संविधान बनाया था। हम सभी को अपने राष्ट्रगान जन गण मन अधि को खड़े होकर सम्मान करना चाहिए। इस दिन हम सभी सैनिकों को भी याद करते हैं और 2 मिनट का मौन रखते हैं। हमारे देश को स्वतंत्र करने में बहुत से लोगों ने बलिदान दिया है। अनेक देशभक्तों ने अपने जान तक निछावर कर दिए। इसी कारण हम देश के सभी लोग इस दिन उनका सबका आभार प्रकट करते हैं। दिल्ली में होने वाली परेड में, विभिन्न राज्यों की झांकियों में देश में एकता को दर्शाता है। अंत में मैं बस आप सभी से इतना कहना चाहता हूँ कि हम सभी को अपने देश और अपने संविधान का हमेशा सम्मान करना चाहिए। इससे हमारे देश में प्यार, एकता, समझ, भाईचारा और उन्नति को बढ़ावा मिलता है। इसके साथ ही मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।